आज हम एक ऐसे नए एंटीबायोटिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका रिजल्ट बेस्ट है, यानी वह सभी बीमारियों के इन्फेक्शन को तुरंत खत्म करता है, चाहे वह इन्फेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, ताजा हो या क्रॉनिक हो, दिखता हो या छुपा हुआ इन्फेक्शन हो, सभी इन्फेक्शन को बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक साबित हुआ है। और इस इंजेक्शन का नाम है मार्बोमेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन इंटास फार्मास्यूटिकल का है और इसका कंटेंट है मार्बोफ्लोक्सासिन सॉल्ट, जो 100 ग्राम के प्रमाण में होता है। और यह इंजेक्शन अवेलेबल है 30 ml के वायल्स में। यह इंजेक्शन बहुत ही जटिल रोगों में काम आता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस यानी पशुओं में होने वाले श्वास नलिका के रोग, ब्रोंकोनिमोनिया और पशुओं में होने वाले थनेरा रोग में भी बहुत अक्सर है। पशुओं में बच्चेदानी में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, इसमें भी इसका रिजल्ट बेस्ट है। फूड पॉइजनिंग और HS में भी यह इंजेक्शन अच्छा काम करता है। इस इंजेक्शन की स्पेशलिटी यह है कि यह इंजेक्शन तीनों रूटों से दिया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट रूट। इसीलिए हम इस इंजेक्शन से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, चाहे बीमारी एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। और इसका डोज है 30 ml, यानी एक पुख्त पशु को 600 किलो वजन तक जो एनिमल्स है उसे 30 ml देना चाहिए। 400 किलो वजन के एनिमल को 10 से 15 ml दे सकते हैं और छोटी बचिया का डोज है 2.5 ml। मित्रों, इस मार्बोमेट एंटीबायोटिक इंजेक्शन के समकक्ष अन्य इंजेक्शन भी है, जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, सेंट्रिजो सोडियम यानी एमसेप्ट और होसेप XP और सेंटियोफर सोडियम इंजेक्शन। इन सब एंटीबायोटिक्स का रिजल्ट भी अच्छा है। इंजेक्शन मार्बोफ्लोक्सासिन भी इसमें से एक है जिसका रिजल्ट भी बेस्ट है। मित्रों, यह मार्बोमेट इंजेक्शन आप जरूर पड़ने पर 3 दिन के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं और इस 3 दिन तक इस पशु का दूध उपयोग में न लें। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी के बाद मैं ये वीडियो यही पूरा करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अरे और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।